तनाव, स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक, चाहे आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में हैं, या अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपकी अपनी इंडस्ट्री है, आप छोटे हैं या बड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तनाव से हर एक इंसान गुजर रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आदमी बहुत तरीके के उपाय अपनाता है, लेकिन तनाव ऐसा है कि वो जाने का नाम नहीं लेता। यदि बीमारी की दृष्टि से बोले तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है और हमारे एंसेंट ऋषियों ने भी कहा, प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगाणाम कारणम। और यदि हम जीवन की बात करें और इतिहास की बात करें तो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को तनाव जहरीला कर देता है, और बड़े से बड़ा योद्धा भी जब तनावग्रस्त हो जाता है तो वह परास्त हो जाता, हार जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था, वो कहते हैं गांडीवम संस्कृति हस्तात् त्वचयो परिदह्यते, अब गांडीव उठाया नहीं जाता है। भ्रमतीव च मे मनः, मन में बहुत तरह के संशय भ्रम उलझन आ गई है, अब मुझे नहीं सूझ रहा है कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, मैं किम कर्तव्य मूड सा हो गया। और यह स्थिति हमारी रोज बनती है, तनाव के बहुत कारण हो सकते हैं। आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं है तो आपको तनाव हो जाता है। आपका आत्मविश्वास का जो स्तर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल वो कम है, उससे भी आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपकी हाइट कम है, आपका रूप रंग आपको बहुत अच्छा नहीं है, बहुत से कारण हो सकते हैं आपके तनावग्रस्त होने के। किसी भी कारण से आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, पूरी आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद आपके काम जो है वो बिगड़ते ही चले जाते हैं। गलत निर्णय के कारण से आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, कई बार बड़ों के द्वारा डांटने पर, घर में बड़ों के द्वारा डांट पड़ने पर, ऑफिस में जो बॉस होते हैं उससे आपका तनाव बढ़ जाता है, कई बार आपकी क्षमता से ज़्यादा आपको काम दे दिया जाता है उससे आपका तनाव बढ़ जाता है, प्रतिकूल परिणाम जब जब आते हैं तब तब आप दुखी हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो, तनाव के निवारण का एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। अब तनाव मुक्ति के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई संगीत का सहारा लेता है, कोई अरोमा का सहारा लेता है, कई तरह के हम धूप अगरबत्तियां लगाते हैं, हम सैर सपाटा करते हैं, हॉलीडे पर जाते हैं, बहुत तरीके के हम उपायों को अपनाते हैं, कोई ड्रग आदि लेता है। तनाव कम होगा योग से, योग करने से प्रोलैक्टिन कार्टिसल एसीटीएस आदि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, बीटा इंडोरफिन जो गुड हार्मोन है, इनकैफलिन आदि जो गुड हार्मोन्स हैं, इनका बैलेंस ठीक हो जाता है, अर्थात प्रोलैक्टिन कार्टिसल एसीटीएस डाउन चले जाते हैं, बीटा इंडोरफिन इनकैफलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और फायस्टी डोपामिन आदि जो तमाम हार्मोन्स हैं उनका भी सिक्रेशन बैलेंस हो जाता है। तो तनाव बढ़ना जिसको बोलते हैं, दरअसल इसमें बढ़ते हैं कुछ हार्मोन्स और उससे शरीर से लेकर के हमारा मन तक सब कुछ प्रभावित हो जाता है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो एक एक इंसान में मानो पूरे जहान की, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आ जाती है, उसके भीतर अपरिमित बल, अपरिमित सामर्थ्य, उसके भीतर अपरिमित ज्ञान हिलोरे लेने लगता है और वो आनंद से भर जाता है। और जब तनावग्रस्त हो जाता है वही व्यक्ति, तब उसका शरीर बल, मनोबल, आत्मबल सब कुछ कमज़ोर पड़ जाता है। तो आइए योग कीजिए और हमेशा उच्च चेतना से युक्त रहना, निम्न चेतना में एक क्षण के लिए भी नहीं जीना।